ये हैं 62 वर्षीय त्रिलोचन सिंह। उचित उपचार के बाद हृदय रोग से पीड़ित त्रिलोचन सिंह की स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और घर पर रहकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार नियमित जांच पड़ताल के लिए अस्पताल जरूर जाते हैं। त्रिलोचन सिंह के उपचार में दिल्ली सरकार की उस स्कीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को चिन्हित निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार की सुविधा मुहैया कराई गई है। रेगुलर चेकअप में जाता हूँ, मेरा चेकअप पूरा होता है और टेस्ट होते हैं और दवाइयाँ भी मिलती हैं, मेरी सारी दवाइयाँ देते हैं, सारी सब मिलती हैं, महंगी से महंगी दवाइयाँ, बहुत अच्छा इलाज चल रहा है। दिल्ली सरकार की वजह से मेरा अच्छा इलाज चल रहा है, दवाइयाँ सारी टाइम से मिलती हैं, 7 दिन की मिलती है, फिर 7 दिन के बाद फिर जाता हॉस्पिटल, महंगी से महंगी सब दवाइयाँ मिलती हैं हमें। एक समय था जब त्रिलोचन सिंह सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन बीच बीच में हृदय की असामान्य गति उनको परेशान कर देती थी। परिवार में त्रिलोचन सिंह की समस्या को लेकर निजी डॉक्टरों से परामर्श किया, अस्पताल भी गए, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। कई जगह पे गई तो मतलब मेरे को बेहतर ट्रीटमेंट मिला ही नहीं कि जो हमारे इलाज को एकदम सामने बता सके भी क्या इनको परेशानी है। पहले तो परेशानी नहीं समझ आई, इनको दिक्कत बढ़ती जा रही थी, फिर इनका चेस्ट पेन शुरू होना शुरू हो गया था, तब थोड़ा हमें एकदम से डर लगने लगा, तब हम अस्पतालों में दौड़ते रहे, काफ़ी धक्के खाते रहे, तो इलाज मिला नहीं और वो समस्या बढ़ती रही। दूसरे टेस्ट समय पे नहीं हो पा रहे थे, इसलिए हमारी बीमारी बढ़ती गई। विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे त्रिलोचन सिंह और उनके परिवार को पता चला कि दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार की व्यवस्था की गई है। ये सूचना हरजीत कौर के लिए आशा की किरण की तरह थी। चिन्हित निजी अस्पतालों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है। चिन्हित निजी अस्पतालों में दिल्ली सरकार की तरफ से लायजन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। लायजन अधिकारी अस्पताल और रोगी के बीच समन्वय का काम करते हैं, ताकि रोगी को उचित उपचार मिल सके। चिन्हित निजी अस्पताल की ओपीडी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों के लिए 25% आरक्षण रहता है, जो निशुल्क होता है। इसी तरह आईपीडी में 10% आरक्षण का प्रावधान है और ये भी निशुल्क है। चिन्हित निजी अस्पताल में निशुल्क चिकित्सा सुविधा उठाने का पात्र कौन है, इसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। रोगी भारत का निवासी होना चाहिए। रोगी की पारिवारिक मासिक आय अकुशल श्रमिक के लिए श्रम विभाग दिल्ली सरकार द्वारा समय समय पर तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम हो। रोगी के पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड अथवा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। रोगी स्वघोषणा के द्वारा भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकता है। अगर रोगी आपात स्थिति में अस्पताल आता है तो उसे उपरोक्त दस्तावेज उसी वक्त दिखाना अनिवार्य नहीं है, वो उपरोक्त दस्तावेज 48 घंटे में प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल की स्कीम का पता लगा तो मैंने इसके लिए पेपर बनाए, मैंने जाके इसकी जानकारी हासिल की पहले कैसे बनेगा। पहले तो मैं समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे इतनी परेशानी थी मेरे को कि स्कीम मेरे को ये सही है कि नहीं, पर मैंने कहा नहीं, मैं इस स्कीम पे सारी जानकारी लेके चलूंगी इस पे, और मैंने की तो मेरा सब रास्ते आराम से सारा मेरा काम हुआ, सारे पेपर वर्क हुए, और उसके बाद इन्होंने मेरे को ऐसा हॉस्पिटल दिलाया इस स्कीम की वजह से कि मेरे हस्बैंड का एकदम ट्रीटमेंट पहले दिन से ही शुरू हो गया था। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद त्रिलोचन सिंह को प्राथमिक उपचार मिलना शुरू हो गया था। इस बीच उन्हें हृदय आघात का भी सामना करना पड़ा। इस बार त्रिलोचन सिंह को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। त्रिलोचन सिंह की स्थिति गंभीर थी, लेकिन अस्पताल की प्रतिक्रिया भी उतनी ही त्वरित थी। जो भी आवश्यक उपचार त्रिलोचन सिंह को दिया जा सकता था वो अस्पताल की ओर से दिया गया। हफ्ते 10 दिन बाद इनको अटैक ही पड़ गया घर पे, तो मैं एकदम इमरजेंसी में ले गई, तो इमरजेंसी से इनको सीधा ICU में ले जाकर, जबकि वहाँ पर मेरे से 1 रुपया भी किसी ने जमा करने के लिए नहीं कहा। तो मेरे मतलब वहाँ से वो दिन मैं आज याद करती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि वो कितना अच्छा टाइम था, मैंने कोई पुण्य किया होगा कि जो मुझे बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे हस्बैंड के मिला। त्रिलोचन सिंह आज अपने परिवार के बीच सकुशल बैठे हैं, लेकिन उनकी 80 वर्षीय माताजी की दुआएं और आशीर्वाद भी उनके साथ था।
उम्र के इस पड़ाव में एक माँ को किसी दुखद स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा, इससे अच्छा एक माँ के लिए क्या हो सकता था। बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने कृपा से ठीक हो गए, बहुत अब चलता फिरता मेरे सामने रहे, अब दवाइयाँ मिल जाती हैं इसको टाइम पे, हफ्ते हफ्ते जाता है, बहुत ही अच्छी तरह डॉक्टर साहब देखते हैं, अच्छी तरह ध्यान से। परमात्मा ने हमारा जरिया बना दिया, केजरीवाल जी ने हमारी सहायता करी है, तो उससे ठीक हो गया, बहुत उनकी मेहरबानी। ये तो सोचते ही रहे कैसे होगा, हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है जो हम इलाज करा सकें, उनकी बड़ी मेहरबानी जिन्होंने इतना सा हमारे पर परोपकार करा है। त्रिलोचन सिंह का उपचार अभी चल रहा है, जिस तरह की चिकित्सा सुविधाओं की उन्हें आवश्यकता है, इस स्कीम के तहत वो सारी सुविधाएं अस्पताल उन्हें दे रहा है, और वो भी बिना किसी शुल्क के। आशा है कि त्रिलोचन सिंह पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर एक बार फिर से अपना सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। सब मेडिसिन फ्री मिलती है मेरे को, एक और इतनी महंगी महंगी मेडिसिन है, वो भी टाइम से मिलती है, तभी ये ठीक हो पाए सर, नहीं तो हम लोग, हमारी इतनी समर्थ नहीं थी कि हम प्राइवेट में जाके इलाज करा सकें। मैं इसको एक स्कीम नहीं मानूंगी, क्योंकि मेरे को इससे इतना, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चों में, मेरे परिवार, हम अपने बच्चों में बैठे हैं, इससे बड़ी क्या, ये हमारे लिए एक स्कीम नहीं है कि जीवन दान दिया हमें मुख्यमंत्री जी ने, हम पर एक बहुत बड़ा उपकार करा जो इतना, ये जीवन दान ये अमृत दिया उन्होंने हमें, ये स्कीम नहीं है, ये तो बहुत बड़ी, जिसको हम किसी लफ्ज़ों में नहीं इसको हम कह सकते, ये इतना बड़ा उन्होंने हमें मदद की है हम जैसों के लिए, और अगर ये स्कीम ना होती तो आज हम अपने घर में ना होते, या इन हम दोनों इकट्ठे आज नहीं होते। इससे मुझे बहुत फायदा, मैं मन से अपने भाई अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही अच्छे काम करते रहे और आगे बढ़ते रहे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें, उनका उत्तम से उत्तम उपचार हो, इस दिशा में दिल्ली सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।